नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत ही कम कॉलेजेस फिल करे थे, तो आपको अब सेकेंड राउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हिट करने हैं ताकि आपको एक सीट सिक्योर हो जाए और आप आने वाले नेक्स्ट राउंड के अंदर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सके। सेकेंडली, मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज में अलॉटमेंट तो ले लिया था बट फ्लोट करने के बाद 40,000 नहीं पे करे, तो वो बच्चे अब नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग है, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद जिन बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, वो बच्चे अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके भी बाद जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिया था बट डिटेल्स अपनी फिल नहीं करी थी काउंसलिंग के अंदर, वो बच्चे भी सेकंड राउंड में नहीं जा सकते। तो अब करे तो क्या करे, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन क्रिएट की है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेरी लिखें कि मेरा ये रीज़न था, इस वजह से मेरी चॉइस फिलिंग मिस हो गई थी या फिर मेरे को 40,000 पे करना भूल गया, तो अब आगे हमें क्या करना है जो हमें इजीली एक एडमिशन मिल सके आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये वीडियो सिर्फ एक हेल्पिंग पर्पस से मैंने बनाई है और इसके अंदर बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद। प्लस आपको मैंने फॉर्म भी दिया है, अगर आप व्हाट्सएप पर चैट नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आपको 100% सपोर्ट प्लस एडमिशन का गाइडेंस यहां से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आउटसाइड दिल्ली से हो या फिर दिल्ली से हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चॉइस फिलिंग पे पूरा फोकस रखो। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी और आप अपनी चॉइस मॉडिफिकेशन करके नंबर ऑफ कॉलेजेस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर देना ताकि आपको एक सीट मिल सके। और जो बच्चे फ्लोट कर रहे हैं उनको भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोट करने से आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो एज इट इज़ आपके पास रह जाती है, जिसकी वजह से ये सिक्योर अपग्रेडेशन होता है, कॉलेज कभी भी नीचे नहीं जाता। इवन जो बच्चों ने फीस पे नहीं करी थी वो भी आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अपना, मतलब पहले राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो नेक्स्ट राउंड में, आप कर सकते हो। और खास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है फर्स्ट राउंड के अंदर या वह चॉइस फिलिंग अपने स्किप कर दी थी, उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम मैंने खास तौर पे बनाया है। तो आप इस क्वेरी पे अपने व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी रेज करके कंप्लीट डिटेल्स एडमिशन प्रोसेस के लिए पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई भी डाउट है क्वेरी हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।